हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम से जॉब तक। मेरा नाम संजय। तो गाइस, आज फिर हम नई एक वैकेंसी लेकर आए हैं जिसमें है चपरासियों की भर्ती है, जो कि 33 पोस्ट इसमें कुल आपको देखने को मिलेंगी, जो कि निकली है पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो गाइस, इसमें हम बताने वाले हैं आपको कैसे कैसे आपको अप्लीकेशन अपना फॉर्म फिलअप करना है और कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करनी है। तो गाइस, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगी कुल 8वीं पास। तो गाइस, यहाँ पर जो है पद है इसमें 45, पद का नाम यहाँ पर रहने वाला है चपरासी यानी प्यून की वैकेंसी रहने वाली है। एज आपकी बहुत ज़्यादा ठीक है यहाँ पर, या जो है 18 से 35 वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं वो उसको फिलअप कर सकते हैं। 18 से कम होगी तो फिलअप नहीं कर पाओगे, और 35 से ज़्यादा है तो फिलअप नहीं कर पाओगे। 35 से ज़्यादा जो है, जिसमें एज रिलेक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो एज है दे रखी है, एज रिलेक्शन सबका है। जो SC का 5 साल होगा, ST का 5 साल होगा, वो चीज़ें सारी यहाँ पर दी गई है। तो वेतन इसमें आपका जो है 18 से 56,900 रहने वाला है, और योग्यता आपकी इसमें 8वीं क्लास सिर्फ मांगी गई है। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम आपका रहने वाला नहीं है, ये गवर्नमेंट एक जॉब है, ये सरकारी वैकेंसी है। यहाँ पर जो है ये जो संविदा होती है, तो संविदा वाला सीन नहीं है इसमें, जो है पहले रखा जाता है, बट इसमें जो है परमानेंट वैकेंसी हो जाती है। तो गाइज, इसमें जो है अगर आपको ये आवेदन फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र अपने गांव शहर के विक्रेता फॉर्म से प्राप्त करें या इस व्हाट्सअप नंबर पर PDF लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अपना जो है PDF यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम से आप नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाओगे। इसे ज्वाइन कर लेना, ये हाल फिलहाल में बनाया गया है, इसी कारण बनाया गया है, जो कि इसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएंगे आपके लिए। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बार बार कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप इसमें नोटिफिकेशन और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस नंबर पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और जो ये भर्ती है यहाँ पर 21/12/2024 ये लास्ट डेट रहने वाली है। इससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा, और भेजेंगे कहाँ पर, आपको जो है ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। आप ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपके पास 8वीं क्लास की और हाई स्कूल इंटर जो भी है, अपना जो ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखी हो, जो भी सर्टिफिकेट हो या क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और यहाँ पर अपने जाति और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो आपको सेंड करना है। अगर आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। एक आपको अपना फोटो उसमें रखना होगा, जो लिफाफा होगा, एक बड़ा लिफाफा होगा और एक छोटा लिफाफा उसके अंदर रख देना है, ठीक है। आपको उस पर कोई टिकट वगैरह नहीं लगाना है, एक बड़ा लिफाफा होगा उसमें अपना एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पर एड्रेस 2 में आप इसको सेंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। एक अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए उसमें, सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अटैच करने हैं, ना कि ओरिजिनल भेजने हैं, ठीक है। फोटोकॉपी ही लगा के भेजने। जब आप बड़ा लिफाफा लोगे तो बड़े लिफाफे के सबसे ऊपर आपको सबसे पहले लिखना क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्योन। यहाँ पर कैट मतलब कैटेगरी, अपनी कैटेगरी डाल देंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप कैटेगरी डाल देंगे। अपना जो है इसमें आपको कोई कॉल लेटर नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए, तो इसमें सारे डेट आप पहले ही मेंशन कर दी गई है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी कराकर आपको जो है इस तरह यहाँ पर अपना इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जो कि ए से एस तक के कैंडिडेट होंगे, जो जिसका ए से नाम होगा, ए से एस तक जिसके भी नाम होगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो वो 16 जनवरी 2025 को जाएंगे, और जिसका आई से पी तक होगा 17 जनवरी 2025 तक जाएंगे, ठीक है, मतलब 17 जनवरी को जाएंगे। और जिसका Q से Z तक के अल्फ़ाबेट नाम आते हैं वो 18 जनवरी से 2025 तक है, मतलब कि 18 जनवरी को यहाँ पर रहने वाला है। और एड्रेस आप देख रहे होंगे, एड्रेस ये रहने वाला है जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए एक लिस्ट आती है जिसमें आपका जो है लिस्ट में नाम आता है, नाम से आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है मतलब पहुँचे नहीं पहुँचे वो चीज़ें, तो वो मैं आपको अधिक जानकारी जो अलग से जानकारी दे दूँगा, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम से जुड़े रहें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं 10 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, और जो आरक्षण का लाभ होगा सिर्फ हरियाणा के आप देखो के ही मिलने वाला है, अन्य राज्य के जो भी फॉर्म आपको फिलअप करेंगे उसके लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। अगर आप SC हो या फिर EWS भी हो तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, के लिए आपको जो है
अगर हरियाणा के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके पास तो तब कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको एक लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं, आवेदकों को 8वीं स्तर तथा पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो 8वीं क्लास में होना चाहिए वो पंजाबी का ज्ञान आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। फिलहाल उसमें दिया गया है क्या, टेलीग्राम ऑफिशियल, ये जो है नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, इसमें बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको बताई दी होगी, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑफिस द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट पटियाला पब्लिक नोटिस, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं प्यून की वैकेंसी रहने वाली है, 33 इसमें पोस्ट रहेगी और सैलरी वगैरह बारे में बताई दी आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 8वीं क्लास में जो है पंजाबी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको इसमें मैंने सारी चीज़ बता दी है, आपके इंटरव्यू कब होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो बताने वाला था, हाँ, जो फॉर्म है ये आप जिसका फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर अपना अपना फोटोग्राफ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखोगे और यहाँ पर अपने फादर का नेम, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एज क्या होगी आपकी, एज इसको कैलकुलेट करोगे, एज कितनी हो जाएगी आपके, कितने साल और कितने मंथ और कितने दिन, ये आप गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना कॉर्पोरेट जो भी, मतलब अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम लिख सकते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। नेशनलिटी लिखेंगे, अपनी नेशनलिटी लिखेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपनी मेल आई डी देंगे आप, ईमेल आई डी, यहाँ पर अपनी कैटेगरी को क्लिक करेंगे, यहाँ पर मतलब सही का निशान अपना लगा देना है। और यहाँ पर ये जो मैं अभी बता रहा था आपको पहले, तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि नॉलेज ऑफ पंजाबी क्या आपके पास आती है या नहीं, तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आती है तो नो कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं अपने फॉर्म को। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आई को डाल देंगे, यहाँ पर हाई स्कूल वगैरह से डालना, यहाँ पर 8वीं क्लास का जो है यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखा है, यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देंगे और यहाँ पर अपने नंबर और परसेंटेज वगैरह लिख देंगे, ठीक है। अपना मैट्रिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी है यहाँ पर अपने उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन को फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट जो भी है, मतलब कितने डॉक्यूमेंट आप उसमें सेंड कर रहे हो लिफाफे में, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे 8 है तो 8 लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। स्पेशल यानी एप्टीट्यूड कुछ आता है तो अलग से कुछ भी यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं। अगर आपके पास के ऊपर कभी FIR या फिर कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर यस नो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने प्लेस डेट यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर अपने जो है सिग्नेचर वगैरह करके आप लिफाफे के अंदर रख देंगे, ठीक है। ये अपने फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट है सारा कुछ यहाँ पर अटैच करके अपना जो सेल्फ अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को भेज देंगे। भेजने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है एड्रेस वगैरह, एड्रेस ये रहने वाला है, इस एड्रेस पे आपको ये सेंड करना है। वीडियो गाइज कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और PDF के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे एग्जाम से जब तक सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।